हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गया हूँ एक और डॉट क्वेश्चन लेकर के। इसमें इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम लोग जो है सीपेज इम्प्लीमेंट का है, जो आपका 2015 में क्वेश्चन नंबर 4B में आया हुआ है। ये डिस्पोजल ऑफ सीपेज इम्प्लीमेंट का है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग को डाउट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सेचुरेशन डी ओ नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सेचुरेशन डी ओ नहीं दिया हुआ है और फिर भी इसमें से जो है ये उसका पोजिशन पूछ रहा है कि वेयर द क्रिटिकल डीओ विल अकर, ये वाला चीज पूछ रहा है। तो देखिए, शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। 125 क्यूबिक ऑफ सीवेज ऑफ अ सिटी इज डिस्चार्ज इन अ रिवर व्हिच इज फुल्ली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। रिवर जो है वो क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से एंड फ्लो एट अ मिनिमम रेट ऑफ 1600 क्यूबिक विद मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दिया हुआ रिवर का, ठीक है। इफ द 5 डिग्री ग्रेविटी ऑफ द सीवेज इज 300 मिलीग्राम पर लीटर, फाइंड आउट वेयर द क्रिटिकल डीओ विल अकर। क्रिटिकल डीओ कहाँ अकर होगा, ये आप लोग को निकालना इस क्वेश्चन पूछा है। ये तो दिया हुआ कि एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ डीओ ये दिया हुआ है 0.11। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ डीओ क्या दिया हुआ है। ये बेसिकली रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पर डे लिखना भी भूल गया है। तो 0.11 पर डे यहाँ पे है, ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है 125% ऑफ 5D बीओडी, ये तो क्लियर है, ऑफ मिक्सर ऑफ सीवेज एंड रिवर वाटर। जो मिक्सर और सीवेज और रिवर वाटर का हम लोग पीओडी निकालेंगे, पीओडी 5, उसका 125% जो है वो हमारा अल्टीमेट पीओडी है। तो चलिए देखते हैं उससे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बीओडी मिक्स निकालेंगे, 5D बीओडी मिक्स निकालेंगे, क्योंकि रिवर का दिया हुआ है। रिवर का तो बीओडी स्टार्टिंग में जीरो होगा, जीरो ले लिया, और जो सीवेज का है उसका दिया हुआ है बीओडी, सीवेज का बीओडी हम लोग को दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ 300 और उसका जो डिस्चार्ज है वो दिया हुआ 125, डिस्चार्ज ये दिया हुआ है 125 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर दिए, इसका जो मिक्स है, जो डिस्चार्ज जो मिक्स होगा रिवर में, तो मिक्स का 5D बीओडी क्या होगा, वो इस फॉर्मूला से निकाल दिए। कैसे करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंटू बीओडी ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इंटू बीओडी ऑफ सीवेज, बट दोनों के डिस्चार्ज का सम भी कर दिया, ठीक है, निकल गया बीओडी 5 के, निकालना आप लोग को आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अल्टीमेट बीओडी निकालेंगे। तो कह रहा है कि अल्टीमेट बीओडी जो है वो क्या है, इसको एल है लिखा है मैंने यहाँ पे, वो क्या है 125% है इस पीओडी 5 का। तो मतलब जो हमारा 21.74 आया है, इसका 125% मतलब कि 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 27.18 मिलीग्राम पर लीटर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है सेचुरेशन डीओ जो है 9.2। देखिए टेम्परेचर 20 डिग्री सी पे 9.2 लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे सेचुरेशन डीओ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, जनरली आपको 20 डिग्री सी पे काम पड़ता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 9.2 जो है ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया अपने से। अब क्या है कि हम लोग डीओ मिक्स भी निकालेंगे, डीओ मिक्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ कि जो रिवर है तो वो कहाँ पे होगा, अभी सेचुरेशन डीओ पे होगा, और जो आपका सीवेज है उसका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, डीओ मिक्स निकाल लिया, डीओ मिक्स निकाल लिया, हमारा इतना आ गया सेम फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पे निकाला बीओडी मिक्स का, ऐसे हमने यहाँ निकाल लिया डीओ मिक्स, तो ये हमारा 8.53 आ गया, ठीक है। और सेचुरेशन बीओडी जो 20 डिग्री सी पे कितना होता है, 9.2 होता है, जो कि हमने एज्यूम किया क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो इससे क्या किया हमने, कितना हुआ, कितना डिफिशियंसी हुआ ऑक्सीजन का, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। सेचुरेशन डीओ हमारा 9.2 था और जो मिक्स का डीओ है वो कितना है, 8.53 का, तो कितना डिफिशियंसी हो गया, 0.67 हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम लोग एज्यूम करेंगे। और एक और जो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको ये फार्मूला को ध्यान रखना है, ये फार्मूला का, ये फार्मूला ड्राइव करके निकाल सकते हैं, बट डेरिवेशन पूछता नहीं है आप लोग को एग्जाम में, तो इसका केवल आपको यहाँ ध्यान रखिएगा। ये होता है एल, एल यहाँ पे क्या है, बीओडी अल्टीमेट है मिक्स का, तो एल अपॉन डीसी इंटू एफ, एफ क्या है, फैक्टर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ देखिए तो ये फैक्टर दिया हुआ है 4, ये फैक्टर है, ठीक है। तो एल अपॉन डीसी अपॉन एफ, इससे हम लोग को सेचुरेशन डीओ निकालना, क्रिटिकल डीओ निकालना है।
तो इसको हमने डीसी मान लिया है, इस क्रिटिकल ड्यू को डीसी मान लिया है जो निकालना है। तो एल अपॉन डीसी इंटू एफ पावर होता है एफ माइनस वन इजिकल टू एफ इंटू वन माइनस एफ माइनस वन इंटू डी ओ अपॉन एल। यहाँ सब पता है हम लोग को, डी ओ पता है, एल पता है, एफ पता है, इससे आपको डीसी निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल 27.18, डीसी निकालना है हमको, एफ का वैल्यू 4 है, एफ माइनस वन 3 हो गया, यहाँ पे एफ 4 हो गया, ये 1 माइनस एफ माइनस 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और डी ओ जो है जो निकाला हमने अभी, मतलब कितना डिफिशेंसी ऑक्सीजन का, वो 0.67 है, ये रख दिया यहाँ पे, और एल का इतना वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इस 3 को, इस 3 पावर को आप इधर लेके आएंगे तो पावर हो जाएगा 1/3, और फिर इस पूरे वैल्यू को आप इधर भेज देंगे और डीसी को उधर कर देंगे तो डीसी निकल जाएगा। सिंपल इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, देखिए डीसी आ गया हमारा 4.39, डीसी आ गया, ये डीसी तो आ गया, लेकिन आपको पूछा क्या है, देखिए आपको पूछा है यहाँ पर फाइंड वेयर द क्रिटिकल डीओ विल अकर। ये जो डीसी निकला आपका, जो क्रिटिकल डीओ निकला, ये डीसी निकला, ये कहाँ पे होगा, कहाँ अकर करेगा, मतलब कि आपको आपसे पोजिशन पूछा है, ठीक है। तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा, आप फिर वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोजीशन निकल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो ये हमने ये निकाल लिया, डीसी निकाल लिया, अब क्या करेंगे आप, ये डीसी कितने दिन के बाद इतना होगा वो निकालना है, टाइम निकालना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे, डीसी आपका इतना हो गया, ठीक है, बस फॉर्मूला होता है ये जो हम लिखते हैं फॉर्मूला, कि किसी टाइम पे LT is equal to L naught into e to the power KT, उसी पे हमने कर दिया, DC हमारा इतना है, और जो DC हमारा स्टार्टिंग का था वो कितना था, 5.83 था, है ना, ये था हमारा। तो इतना से घट के क्या हुआ, ये इतना से घट करके हमारा ये इतना पाया है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या किया हमने, इसी को सॉल्व करके हमने टाइम निकाल लिया, यहाँ पे ये हमारा टाइम आ गया 6.03 डेज। अब इस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेलोसिटी से, तो हमको पोजीशन मिल जाएगा। तो क्रिटिकल पोजीशन ऑफ क्रिटिकल डीओ क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इनटू ये टाइम, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये डे में है तो इसको मैंने सेकंड कन्वर्ट कर दिया, 24 आवर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 30 सेकेंड हो गया पूरा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा हमारा आ गया मीटर में, डिवाइड कर दिया 1000 से तो ये आ गया किलोमीटर में, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर, कि मुझे अभी ये जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कि अल्टीमेट डीओ को यूज करके अब फिर यहाँ पे निकाला जाए, ये तो टाइम में कुछ वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे, आई थिंक ये आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज था आपको यहाँ पर ये चीज था कि आपको यहाँ पर ये एज्यूम करना था और ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये दो चीज आपका इसमें मेन है, बाकी चीज तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में कर ही रहे हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस डीओ का एजम्पशन और ये इक्वेशन, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा निश्चित रूप से। यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है टाइम को निकालने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये मिक्स का डीओ ले लिया है, तो अल्टीमेट को लेकर के टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको ये वाला पार्ट, तो और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।